पिछले 24 घंटों में 2,81,000 नए मामले सामने आए। रिकवरी दर 84.81% पर। कोविड 19 प्रबंधन पर देशभर के राज्य और जिला अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2-डीऑक्सीडी ग्लूकोज का पहला बैच जारी। एनसीपीसीआर संवेदना के माध्यम से बच्चों को टेलीकाउंसलिंग प्रदान कर रहा है। संवेदना कोविड 19 के दौरान प्रभावित बच्चों के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन है। रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता 38 लाख शीशी प्रतिमाह से बढ़कर लगभग 1,19,00,000 शीशी प्रतिमाह हो गई, सरकार ने कहा। कोविन प्लेटफॉर्म अगले सप्ताह तक हिंदी और 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।